नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप, राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार 2019, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा युवाओं में उद्यमशीलता संस्कृति प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर प्रथम पीढ़ी के उत्कृष्ट युवा उद्यमियों तथा पारिस्थितिक तंत्र निर्माताओं को उद्यमशीलता विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार का आयोजन किया है। NEA 2019 के लिए कुल 45 पुरस्कार प्रदान किए जाने, जिसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। उद्यम श्रेणी, पारिस्थितिक तंत्र निर्माता श्रेणी, सेक्टर पुरस्कार, विशेष श्रेणी, इस तरीके से पुरस्कारों को वितरित किया जाना है। इसके प्रचार और प्रसार के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इस तमाम बातों को IIT कानपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय, जो वहाँ के सीनियर प्रोफेसर हैं और वहाँ के डायरेक्टर अरविंद कारिंदकर ने अपनी प्रेस वार्ता में हम लोगों को बताया। और ये पुरस्कार ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर है। इस पुरस्कार को 2019 को ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस तरीके के पुरस्कारों से लोगों में उत्साह बढ़ेगा और अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। इन तमाम बातों को आज IIT कानपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया, जहां पर कानपुर महानगर और IIT के तमाम प्रोफेसर और पत्रकार बंधु उपस्थित थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे ये राष्ट्रीय उद्यमी पुरस्कार जो सरकार ने घोषित किए हुए हैं, IIT कानपुर में नॉलेज पार्टनर की तरह काम कर रहा है। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरियाज में जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं तक ये बात पहुंचाई जा सके, ताकि इस अवार्ड के लिए अच्छे से अच्छे नॉमिनेशंस आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशंस आ सके। तो जैसा कि बताया गया, अभी नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स कई सारी क्षेत्रों में दिया जाएगा और उसकी कई सारी कैटेगरीज है, तो उन सब कैटेगरीज के लिए और ये भारत सारे भारत के सभी उद्यमियों के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए है। सारे भारत कोई भी अप्लाई कर सकता है। और IIT कानपुर का मुख्य उद्देश्य यह है कि मंत्रालय के साथ मिलकर, खासकर हमारा श्री IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी जैसे कि HPTU है और इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं जैसे कि CII, FICCI, TAI, उनकी मदद ली जाए। उसके साथ साथ जो दूर दराज के गांव हैं उन तक भी बात पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधानों से संपर्क किया जाए और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, उन सभी तक ये बात पहुँचाई जाए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार होगा और ग्रासरूट लेवल तक होगा, मतलब गांव-गांव तक होगा, उससे सहायता मिलेगी कि जो वाकई परिश्रमी और सही उद्यमी हैं, जो नए नए प्रकार के उद्यम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यतः ये सरकार ने योजना लाई है। उसके लिए हम जरूरी है कि ऐसे सभी उद्यमियों तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि उनका हम और उत्साहवर्धन कर सकें यदि वो इस पुरस्कार जीतते हैं। तो कई सारी कैटेगरीज हैं जिसके सारे डिटेल्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अवेलेबल है और उस संबंध में जो लिटरेचर है वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन भी है कानपुर का जो कि वेबसाइट पर रखा जाएगा। उसको हम विभिन्न माध्यमों से जैसे कि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर, वेबसाइट, उसके अलावा रेडियो और आपके अखबार के माध्यमों से भी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और
किसी देवी को यदि नॉमिनेशन फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो मंत्रालय की तरफ से भी एक हेल्पलाइन है, उसके अलावा आईटी कानपुर से जो भी मदद हो सकेगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी जाएगी।